वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजकुमार यदुवंशी आपके अपने PBR स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबर यहां पर आ चुकी है परीक्षा नियंत्रक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार को गिरफ्तार और जेल भेजने के बाद परीक्षा नियंत्रक की ज़रूरत थी और वो परीक्षा नियंत्रक नए बन चुके हैं, जिनका नाम आपको याद कर लेना है क्योंकि ये करंट अफेयर में आपके आ सकता है। अरविंद मिश्रा, मऊ के CDO अरविंद मिश्रा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नया परीक्षा नियंत्रक मिल गया। शासन ने मऊ के मुख्य विकास अधिकारी अरविंद मिश्रा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। LT ग्रेड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में 1 जून को आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया। बाद में शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव धनंजय शुक्ला ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए अपेक्षा की है कि अरविंद मिश्रा बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। हिदायत यह भी दी गई है कि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए और तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाए। तो ये एक छोटी सी खबर थी, लेकिन इससे जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें हैं। अगर आप लोग सुनना चाहें तो हम आपको बता दें, नए परीक्षा नियंत्रक के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं और वो चुनौतियाँ किस बात की हैं आप लोग उसको जानते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा परीक्षा नियंत्रक हो या फिर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, इनके ऊपर अंगुली उठना लाजमी है। और लोक सेवा आयोग की कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची है जिसमें आप पैसा देकर खरीद ना सको, पैसा दो नौकरी लो, ये इस नाम से आयोग जाना भी जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी दिन से यहाँ पर हड़ताल पड़ताल भी चल रही है और अभी जल्द ही में ही खून से लिखा गया है प्रश्न पत्र, खून से लिखा गया प्रश्न पत्र नहीं, माफ़ करिएगा, खून से लिखा है पत्र। किसको लिखा है और कौन लिखा है? LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने दो गुट बना लिए हैं। अब दो गुट में क्या है इसके बारे में सुनिएगा। दोनों गुटों ने अलग अलग क्षेत्रों में भीड़ एकत्र करके शक्ति प्रदर्शन किया। LT ग्रेड समर्थकों ने जारी परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखा है। वहीं परिणाम को निरस्त कराने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी जुलूस निकाला गया। यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मतलब एक तरफ तो जो लोग पैसा नहीं दिए हैं, जो लोग भ्रष्टाचार नहीं किए, उनको लग रहा है कि पेपर लीक हो गया है और वो चाहते हैं कि परीक्षा मतलब क्या हो जाए, रद्द हो जाए। दूसरी तरफ जिन लोगों का कुछ जुगाड़ लगा है वो लोग सोचते हैं कि इसका रिजल्ट आए और आगे बढ़े। LT ग्रेड 2018 के अभ्यर्थियों का आरोप ठीक से नहीं की गई जाँच, न्याय के लिए कोर्ट याचिका दायर करेंगे अभ्यर्थी। आगे देखिएगा, शुक्रवार को शाम सैकड़ों प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने जिन 7 विषयों का परिणाम आ चुका है उसके सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी जांच शुरू करने की मांग की और बचे 8 विषयों का परिणाम जल्द जारी करने को लेकर नारेबाजी की। 17 जून तक हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करने के बाद सरकार व आयोग का घिराव किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ LT ग्रेड परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक छात्रों ने भ्रष्टाचार विरोधी जुलूस निकाला। नेतृत्व कर रहे सुनील मौर्य ने कहा कि अस्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करके आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार को छिपाया नहीं जा सकता। प्रतियोगी छात्रों ने 18 जून को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। तो ये तो एक छोटी सी खबर थी जी। लोक सेवा आयोग में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आती हैं। 21 लाख दो, 50 लाख दो, नौकरी लो। सिंपल सी नौकरी नहीं, आप बहुत सारी नौकरियाँ पा सकते हो यहाँ से। IAS की परीक्षा पद लेकर तो अभी ज़्यादा खबर नहीं आई फिलहाल, लेकिन PCS, LT ग्रेड, PCSJ, APO, इन सभी परीक्षाओं को आप खरीद सकते हैं, रिजल्ट खरीद सकते हैं, परिणाम खरीद सकते हैं, पेपर खरीद सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक को खरीद सकते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को खरीद सकते हैं। ये UP है भाई, UP है, और ऐसा होता आया है। पिछली खबर आप देखते रहें। PBR स्टडी पर सरकारी न्यूज से अपडेट संबंधित एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप देखेंगे तो आपको इनकी सारी पड़ताल वहाँ पर मिल जाएगी। अरविंद मिश्रा का प्रयागराज से पुराना नाता है, इसी शहर में रहकर इन्होंने तैयारी की गई
किया है और मूलतः ये देवरिया के निवासी हैं। अरविंद मिश्रा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र व मध्यकालीन इतिहास में MA किया है। टैगोर टाउन में किराए के कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और PCS 2002 बैच में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अरविंद मिश्रा ने कहा कि चुनौतियों से सामना करता हूँ, मैं कभी डरता नहीं हूँ। और ये कौन सा सामना करते हैं इसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं, भागिएगा मत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आयोग में मेरे सामने कई चुनौतियाँ हैं, मुझे वह भी पता है, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरे शब्दों का प्रयोग करता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्रा के वर्तमान समय में मऊ के CDO पद पर तैनात अरविंद मिश्रा ने दैनिक जागरण से दूरभाष पर बातचीत में कहा कि पेपर लीक होने से आयोग की साख पर असर पड़ा है। आयोग की साख बचानी बड़ी चुनौती है। मेरा मानना है कि जहां चुनौती होती है वहीं उसका निदान भी रहता है। आयोग की साख बचाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ मिल करके काम करेंगे, जिससे सारी दिक्कतें दूर होंगी। पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत व समर्पण से काम करूंगा। मुझे विश्वास है कि उसमें सारे अधिकारी व कर्मचारी पूरा साथ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मऊ में अभी उन्हें CDO पद से रिलीव नहीं किया गया, इससे आयोग में चार्ज लेने में कुछ दिन लग सकते हैं। तो ये कुछ खबर थी जो आप लोग देख चुके हैं। वैसे फिलहाल खबर तो छोटी थी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको आपके द्वारा पूछे गए सवालों का कुछ जवाब मिले, और फिर देखते रहें PVR स्टडी। इस तरह की और भी भ्रष्टाचार व्याप्त तो और परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड जॉब एंड अनअपडेट के लिए PVR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इतना ही नहीं, अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जा करके वहां पर नोटिफिकेशन सेटिंग होगी, और नोटिफिकेशन में YouTube का नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर दें, क्योंकि अक्सर लोग YouTube का नोटिफिकेशन ब्लॉक किए होते हैं और उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो इस प्रोग्राम इस दिक्कत समस्या को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आपको ये भी सिखा दें कि आप नोटिफिकेशन कैसे ऑन करोगे। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, सिंपल सी बात है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आप PVR स्टडी का वीडियो देखना चाहते हो डेली तो बिल्कुल समझना है, भागना मत। ये नोटिफिकेशन में जाना है, आपका कोई भी फ़ोन होगा नोटिफिकेशन आएगा सेटिंग में, ठीक है। नोटिफिकेशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, रिसेंट और वगैरह वगैरह जो भी दिखेगा, आप CL पर क्लिक करोगे। ये CL सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन आपके सामने खुल करके आ जाएंगी, बराबर बाहर निकलेंगी ऐप्स नोटिफिकेशन, आपको ऊपर सेटिंग दिखेगी। ये देखो हमने नोटिफिकेशन किसका किसका ऑन करके रखा है, सब आपके सामने दिख रहा है। इसी में एक आपका फेवरेट यूट्यूब होगा, ये देखो यूट्यूब है कहीं इसमें, ये है जी यूट्यूब। ये ग्रीन होना चाहिए, ऐसे ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, अगर ऑफ होगा तो इसमें आएगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको नहीं दिखेगा तो उसको ढूंढ करके उसका नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं।